इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक परफेक्ट नोट्स कैसे बनाएं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम नोट्स क्यों बनाएं, इसकी जरूरत ही क्या है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, ये एक सवाल हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप बिना नोट्स का क्रैक नहीं कर सकते। रही बात बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अगर आपको टॉप करना है, 72 से 72 मार्क्स लाने हैं, तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, वरना एग्जाम पास तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा बहुत मार्क्स तो कोई भी ला लेगा। इसकी जरूरत सबसे ज्यादा एग्जाम के दिन पड़ती है, समय कम होता है, और सबसे कम समय में मैक्सिमम टॉपिक्स को कैसे कवर कर पाए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नोट्स आपको तेजी से और सटीक रूप से याद रखने और संशोधित करने में मदद करती है। नोट्स बनाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और कोई भी टॉपिक या चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि एक अच्छे नोट्स आप तभी बना पाएंगे जब कोई भी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, वैसे भी तो अपने बुक को कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम टाइम तक दोहराना ही होता है। अगर पहली बार अपने बुक का कोई चैप्टर पढ़ते हो और उसे अच्छे से समझकर उसका नोट्स नहीं बनाते, फिर अगली बार आप उस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए 2 से 3 महीने बाद पढ़ोगे, राइट? लेकिन उस समय पहले आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था ये तो भूल गए रहोगे। तो इस तरह हर बार खाली दिमाग के साथ पढ़ोगे तो फिर पढ़ने में उतना ही समय लगेगा जितना समय पहली बार में लगा था। तो यहाँ टाइम वेस्ट भी हुआ, मेहनत भी लगा, पर आउटपुट में कुछ निकल नहीं पाया। लेकिन जब उस चैप्टर को आप समझकर उसका नोट्स पहले ही बनाए रहोगे तो नोट्स याद भी रहेगा, और जब अगली बार पढ़ोगे तो उसमें से कुछ नया जरूर निकालोगे और वो चैप्टर भी और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, उस चैप्टर के बारे में आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। देखो, नोट्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट डिटेल नोट्स, सेकेंड शॉर्ट नोट्स। डिटेल नोट्स, जिसे बहुत स्टूडेंट फेयर कॉपी भी कहते हैं, ये काफी डिटेल्ड रूप में बनाए जाते हैं। इसमें बुक में लिखी हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि बाद में किताब को न पढ़कर इसे ही बार बार पढ़ना होता है। इस तरह के नोट्स वही स्टूडेंट बना पाते हैं जो शुरू से पढ़ाई करते हैं, जिसका हैंड राइटिंग भी थोड़ी अच्छी होती है और जिनको पढ़ने लिखने में थोड़ा ज्यादा रुचि होता है। ये एक अच्छी आदत है, पर इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत लगते हैं और ज्यादा टाइम भी। इस नोट्स को तो हड़बड़ी में बिल्कुल नहीं बनाया जाता, तो ये भी बहुत काम आते हैं अगर आपको अपने बुक की हर टॉपिक को याद रखना है। शॉर्ट नोट्स, इस नोट्स को बनाने का ये पर्पस होता है कि एग्जाम से पहले कम समय में जल्दी से अपने बुक या सिलेबस को रिवीजन कर पाए, क्योंकि एग्जाम के दिन उतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम डिटेल नोट्स को या किसी बुक को पूरा पढ़ पाए। तो इस समय शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही रहता है, जिसे एग्जाम में आने का भी ज्यादा चांस रहता है। इसमें पूरी सब्जेक्ट का निचोड़ रहता है, इसे रिवीजन कर लेने से आप उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो कम समय में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को याद रखना, इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो डिटेल नोट्स तो आप बना ही लोगे, राइट? या इसे अगर ना भी बनाओ, लेकिन शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अब हम नोट्स बनाएंगे। इससे पहले आप कुछ जरूरी बातें जान लो। नोट्स तभी बनाना है जब एक चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। पढ़ते टाइम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिले उसे अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाना है और अच्छे तरीके से समझते जाना है। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड पिछले साल के एग्जाम के क्वेश्चन भी देखने हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि यह चैप्टर एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। चैप्टर का सारा निचोड़ निकालने के बाद ही नोट्स बनाना शुरू करें। आपको नोट्स में वही चीजें ऐड करना है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। एक चैप्टर के नोट्स को कम से कम पेज में बनाने का कोशिश करें। अगर छोटा चैप्टर है तो 2 पेज में ही नोट्स को तैयार करें। अगर बड़ा चैप्टर है तो 3 से 4 पेज में नोट्स को तैयार कर ले, क्योंकि 300 पेजेस के बुक में काम की बातें सिर्फ 150 पेजेस में होती है और याद रखने वाली बातें सिर्फ 80 से 100 पेजेस में ही होती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सिर्फ 150 पेजेस पढ़ेंगे, नहीं, बाकी के पेजेस में आपको एग्जाम्पल के थ्रू डीप नॉलेज के पर्पस से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को समझाया जाता है। तो इसलिए आप किसी भी बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसे अच्छे से पढ़ो और समझो, ताकि उस चैप्टर का आप निचोड़ निकाल सको और अपने नोट्स में ऐड कर सको। नोट्स बनाते टाइम हेडिंग एंड सब हेडिंग को जरूर फॉलो करें। एक हेडिंग के अंदर जितने भी सब हेडिंग आते हैं, उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं,
इस फॉर्मेट में नोट्स को बनाना है। नोट्स बनाते टाइम माइंड मैपिंग का यूज करें। ये नोट्स बनाने और उसे याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और फ्लो चार्ट का भी और स्पाइडर डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। इससे आपको याद करने और याद रखने में आसानी होगी। नोट्स अपना बनाओ, किसी दूसरे का कॉपी ना करो। अगर दूसरों के नोट्स को कॉपी करोगे तो उसे सिर्फ रटोगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए नोट्स खुद का बनाओ अगर आपको डिटेल्स नॉलेज चाहिए तो। ये हो गई कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि हम नोट्स बनाएंगे कैसे। नोट्स बनाने के लिए आप हमेशा व्हाइट पेज वाले स्पाइरल रजिस्टर का यूज करें। इससे ये फायदा होता है कि आप अपने नोट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अगर कुछ टॉपिक आपको बाद में ऐड करने हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके टीचर ने क्लास में पढ़ाया है उस नोट्स का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ाए रहते हैं। और नोट्स बनाते समय हमेशा सिलेबस बुक का ही इस्तेमाल करें ताकि कोई पॉइंट न छूट जाए। दोस्त, नोट्स हमेशा खुद की हैंडराइटिंग में ही बनाएं, चाहे आपकी हैंडराइटिंग कैसे भी हो। बस आपकी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि आप उसे आसानी से पढ़कर समझ पाओ। और दोस्त, नोट्स पॉइंट टू पॉइंट या चार्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। देखो, नोट्स का मतलब यही होता है कि उसे हम जितना जल्दी और जितनी आसानी से समझ सके। देखो, नोट्स को थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना खूबसूरत नोट्स रहेगा आपको बार बार उसे पढ़ने का मन उतना ही करेगा। लेकिन अगर आप नोट्स गंदे तरीके से बनाओगे तो आपको दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। देखो, आप किसी भी पेज में ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखने की कोशिश मत करो, थोड़ा कम लिखो लेकिन फ्रेश लिखो। एक और दूसरे टॉपिक के बीच में गैप भी रखो। अपने नोट्स में थोड़ा कलर भी ऐड करो। ऐसा इसलिए क्योंकि कलर आपके दिमाग के क्रिएटिव साइड को एक्टिव करता है, जिससे आपके नोट्स ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते हैं और याद रखने में भी आसानी होती है, क्योंकि कलर याद से जुड़ जाता है। और कलर के हिसाब से पॉइंट को याद रखना बहुत इजी होता है। आप हेडिंग को अलग कलर से, सब हेडिंग को दूसरे कलर से, उसमें कुछ वर्ड और कुछ पॉइंट भी होंगे जो किसी दूसरे कलर से हाईलाइट करो। इसके लिए आप हाईलाइटर यूज कर सकते हो। और शुरुआत में लिखने के लिए कम से कम दो कलर का पेन यूज जरूर करो। अब दोस्त, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कलर कोडिंग ही करते रह जाओ। आप नोट्स में हमेशा इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऐड करो, थोड़ा साफ सुथरा लिखो, अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिख सकते हो तो लिखो, माइंड मैपिंग या डायग्राम के ऑर्डर में नोट्स को बना सकते हो तो बना लो, अगर स्पाइडर डायग्राम भी यूज कर सकते हो तो करो, उसके बाद अगर कलर कोडिंग करना है तो कर सकते हो। बस नोट्स ऐसा होना चाहिए जो पढ़ते वक्त समझ में आ जाए और याद रखने में आसानी हो, बस। तो दोस्त, ये रहा नोट्स बनाने का कुछ तरीका। जितना हो सके इजीली तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उतना समझाया है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्त आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।